दोस्तों हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं G88 बोरिंग साइकिल, जिसका मतलब होता है G88 बोरिंग साइकिल का मतलब होता है बोरिंग साइकिल विथ ड्वेल टाइम। तो दोस्तों बोरिंग साइकिल ये तो ठीक है, लेकिन ड्वेल टाइम क्या है? ड्वेल टाइम मतलब थोड़ा पॉज देना, और वो पॉज कहाँ लेना? जब हमारे होल का पूरा बोरिंग कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आके नीचे आके थोड़ा पॉज देना, मतलब हमारा कटर जैसे ही यहाँ पे आ जाए पूरा बोरिंग हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा देर वो घूमना चाहिए, यहाँ पे घूमते रहना चाहिए, उसे बोलते हैं ड्वेल टाइम। कितना देर घूमना चाहिए? तो जितना देर घूमना चाहिए वो हुआ हमारा ड्वेल टाइम। तो जनरली हम यहाँ पे 5 से 10 सेकंड तक घूमते रखते हैं टूल को, क्योंकि ताकि यहाँ की पूरी बर जो है नीचे की वो पूरी बर निकल जाए। ड्वेल टाइम जस्ट क्या होता है दोस्तों, सेम साइकिल है बोरिंग की, लेकिन ये आती है पूरा बोरिंग करती है, नीचे जाता है और नीचे ये घूमते रहता है 5-6 सेकंड के लिए या फिर 10 सेकंड के लिए, ताकि पूरी बर निकल जाए। तो ये जो यहाँ पे रुकने का टाइम है, यहाँ पे घूमने का टाइम है, उसे बोलते हैं ड्वेल टाइम। तो बस यही इसमें ड्वेल टाइम ऐड है, बाकी सब साइकिल की तरह ये साइकिल भी सेम है। तो दोस्तों हम देखते हैं अभी इस साइकिल की रचना कैसे होती है, इसका ब्लॉक कैसा होता है, ये हम देखेंगे। अभी पहले समझ लो आप कि हम इस होल पे बोरिंग ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस होल की कोऑर्डिनेट क्या हुए हमारे? 30 mm एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस हमारा एज इट इज 0 है, क्योंकि वाई को कोई भी यहाँ पे डिस्टेंस इसने क्रॉस नहीं किया है, तो वाई को 0 है और एक्स को 30 mm है। तो हमारे एक्स के और वाई के कोऑर्डिनेट निकल गए हैं। अभी जेड का कोऑर्डिनेट, हमारा डेप्थ कितना है? 50 mm है। तो हम अगर 50 को 50 तक बोरिंग करेंगे तो क्या होगा? हमारा कटर यही पे घूम घूमता रहेगा यहाँ पे, बराबर ना? तो इसे थोड़ा थ्रू आउट करना चाहिए, थोड़ा ये नीचे जाना चाहिए ताकि कोई बर ना रहे, और यहाँ भी नीचे जाके इसने ऐसा घूमना चाहिए, बराबर है? ताकि यहाँ पे कोई बर ना रहे, बराबर। तो अभी x के कोऑर्डिनेट 30, y 0, और z का कितना है? 50 नहीं लेंगे, थोड़ा ज्यादा लेंगे, 53 लेंगे या फिर 55 लेंगे, ताकि पूरा एंटायर होल का बोरिंग होके हमारा नीचे का जो भी बार है वो भी निकल जाए। ओके, तो ये हुए कोऑर्डिनेट x, y, z के। अभी हम ब्लॉक की रचना देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, देखो इसमें क्या होता है G88। ओके, बाद में G88 मतलब क्या होता है? बोरिंग साइकिल विथ ड्वेल टाइम। बाद में G98, G98 का मतलब क्या होता है हम देखने वाले हैं इसको। G98 मतलब बोरिंग करके रिटर्न आना है इनिशियल पॉइंट पॉइंट पर, ये होता है हमारा आर पॉइंट यानी कि रिट्रैक्टिंग पॉइंट, और ये थोड़ा ऊपर होता है उसके इनिशियल पॉइंट, मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है पहला, बाद में ये रिट्रैक्टिंग पॉइंट है। तो ये G98 अगर डाला हमने तो ये आएगा थोड़ा ऊपर आएगा आर पॉइंट के, समझो ये हमारा जीरो प्लेन है, यहां से ये 3 mm प्लस को है और ये रहता है कुछ 6 या 10 mm तक प्लस को रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेफ साइड के लिए हम थोड़ा ऊपर उठा रहे हैं इसको, हम 98 तक ला रहे हैं। तो 98 अगर डाला आपने तो आपका बोरिंग करके टूल यहाँ पे आएगा, अगर आपने 99 डाला तो ये यहाँ पे आएगा, मतलब 99 का मतलब कहता है रिटर्न टू अपना क्या रिट्रैक्टिंग पॉइंट, और 98 का मतलब होता है रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट। ओके, तो इसके बाद में क्या है, G88, G98, बाद में x की वैल्यू, x कितना है हमारा 30.0, हमने कोऑर्डिनेट लिखा है ना 30, y कितना है हमारा, y तो हमारा इसी प्लेन पे, तो फिर y 0.0, z कितना है हमारा 50, हमें थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए अंदर क्योंकि बर ना रहे, -55.0। बाद में r रिट्रैक्टिंग डिस्टेंस यहां तक कितना डालेंगे, 3 mm, 3.0। बाद में p की वैल्यू ड्वेल टाइम 10 सेकंड, मैंने बोला आपको ड्वेल टाइम, हम ड्वेल टाइम पी से डिनोट करते हैं। ओके, अगर आप अपने मिसुबिशी कंट्रोल यूज कर रहे हो तो P10 मतलब, अगर आपने P10 डाला तो क्या होगा, वो 10 सेकंड यहाँ पे घूमता रहेगा। अगर आप फानुक यूज कर रहे हो तो शायद यहाँ पे कोई अलग होगा, आपको यहाँ पे P100 डालना पड़ेगा तब ये 10 सेकंड घूमेगा। आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना है, आपके कंट्रोलर पर डिपेंड होता है वो। ओके, तो अगर आपका मिसुबिशी कंट्रोल वाला है तो आप यहाँ पे P10 डालिए, ये बराबर 10 सेकंड यहाँ पे घूमता रहेगा। ओके, इसके बाद में फीड, फीड कितना है हमारा 100। ओके, एंड ऑफ ब्लॉक। तो कुछ इस तरह से बोरिंग साइकिल विथ ड्वेल की रचना होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या सिर्फ पी ऐड है ज्यादा, तो पी का मतलब होता है बोरिंग साइकिल विथ ड्वेल, और ड्वेल टाइम 10 सेकंड बताया यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों समझो हमारा बोरिंग यहां तक हुआ, अभी हमारा टूल यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो 10 सेकंड हम कहाँ पे काउंट करें, हम वॉच पे काउंट करें क्या? नहीं, इसे कहाँ काउंट करना है? तो दोस्तों ये जो यहाँ पे फील दिखाता है, पहले ऊपर
स्पिंडल का स्पीड दिखाता है, नीचे फीड दिखाता है, तो फीड पे बताता है आपको 100 mm पहले बताता है, ठीक है। जब आपका टूल यहाँ पे आ जाए, जब आपका टूल पूरा एंटायर बोरिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर रहे और यहाँ पे घूमता रहे, तब उस केस में यहाँ पे फीड में बताता है आपको 10 सेकंड, बाद में 9 सेकंड, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0, और इसी फीड में आपको ये सेकंड बताता है कितने सेकंड बचे हैं, तो और इस तरह से 0 सेकंड होने के बाद में ये आता है ऊपर डायरेक्टली। तो इस तरह से आपको फीड में दिखाई देगा कि आपका ड्वेल टाइम कितना बचा हुआ है। तो इससे आप इजीली जान सकेंगे, यहाँ पे आप P10 डालिए और साइकिल स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कितना घूम रहा है, और यहाँ पे फीड में चेक कीजिए, 100 बता रहा है, 10 बता रहा है, 1 बता रहा है, वो चेक कीजिए आप, एकदम इजी है। तो दोस्तों ये है कुछ अपने बोरिंग साइकिल ड्वेल के बारे में इन्फॉर्मेशन। और सेकंड थिंग आपको बताने की है कि आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए हैं, लेकिन जो हमारा सिलेबस है और जो बाकी लोगों को भी कमेंट्स है, जिनके कमेंट्स पहले आए हैं उनकी वीडियो बनाना चालू है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपका वीडियो 1 या 2 दिन लेट पोस्ट हो, लेकिन वीडियो जरूर पोस्ट होगा, इसके बाद आप इसके बदले आप निश्चिंत रहिए, लेकिन थोड़ा लेट होगा क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो हमें मुझे आंसर भी देना है और अपना जो सिलेबस है वो भी हमें कंटिन्यू रखना है। तो हो सकता है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं 2 दिन में आपको वीडियो दूंगा, लेकिन हो सकता है कि 3 दिन या 4 दिन लगे, लेकिन उससे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, आई प्रॉमिस। ओके, तो फिर आपकी वीडियो आपको कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ खामियां नजर आ रही हो, अगर आपको कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट बताना हो, तो आप बेझिझक मुझे इम्प्रूवमेंट बताइए, मैं वो इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।